पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 प्लस खबरें। कोरोना वायरस के संक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे को देखकर श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने आज सख्त कदम उठाया। जिला प्रशासन की टीम ने आज दोपहर 1:15 बजे से शहर के बाजार बंद करवाने शुरू कर दिए हैं। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने आज कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों को घरों में रखने वालों की संख्या बढ़ने पर शहर के बाजार बंद करवाने के निर्देश दिए। कल रविवार का दिन देश में ऐतिहासिक होगा, ऐसा पहले कभी शायद ही हुआ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ऐसा होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रविवार 22 मार्च को प्रस्तावित जनता कर्फ्यू के लिए आमजन तैयार है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में भी सोशल मीडिया पर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। उत्साह और तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर इस बात का जिक्र है। माता पिता अपने बच्चों को घरों में ही रहने को कह रहे हैं। हालांकि ये एक दिन का जनता कर्फ्यू है, लेकिन लोगों ने ऐसी आवश्यक तैयारियां कर ली है कि इसे आगे भी बढ़ाया जाता है तो कोई परेशानी ना हो। सब्जियों सहित आम जरूरत के खाद्य पदार्थों को लेकर श्रीगंगानगर रसद विभाग एक्शन में आ गया है। रसद विभाग की टीम DSO राकेश सोनी के नेतृत्व में आज रिद्धि सिद्धि मॉल में स्थित रिलायंस मार्ट पर पहुंची। मौके पर टीम ने देखा कि प्याज सहित अन्य सब्जियों के दाम बाजार से ज्यादा कीमत के थे। सोनी ने यहां मैनेजर को रेट कंट्रोल करने के लिए पाबंद किया। वहीं ये भी हिदायत दी गई कि कुछ रिटेल दुकानदार ऐसे स्टोर से इकट्ठा सामान खरीद कर ले जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से बाजार बंद करवाने के साथ लोगों में इस बात को लेकर संशय है कि बाजार कब तक बंद रहेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। सोमवार को स्थिति में सुधार होने पर बाजार खोलने पर प्रतिबंध हटाने की संभावना है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि कोरोना को नियंत्रण में करने के लिए प्रशासन ने आज ही बाजार बंद करवाए हैं। देश के प्रधानमंत्री की ओर से कल रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान है। श्रीगंगानगर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए व्यापारी वर्ग भी सजग और सतर्क हो गया है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने 2 से 10 दिन तक कारोबार बंद रखने और जनता कर्फ्यू में सहयोग का निर्णय लिया है। विभिन्न संगठनों ने 21 से 31 मार्च तक काम बंद रखने और कोरोना संक्रमण से फैल रही महामारी की चेन को तोड़ने में सरकार का हर कदम पर साथ देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के बीच श्रीगंगानगर जिला प्रशासन आज बेहद सतर्क नजर आया। रविवार का अवकाश होने और बिजली गुल होने के बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारी बरामदे में ही प्रशासन चलाते नजर आए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी आज सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनसे पहले ADM सिटी अरविंद जाखड़ वहां पहुंच गए थे। ऑफिस में बिजली गुल होने पर दोनों अधिकारियों ने बरामदे में ही कामकाज शुरू कर दिया। कोरोना के कहर से घबराए लोगों को शहर में मास्क और सैनिटाइजर की किल्लत की अनेक शिकायतें आज जिला प्रशासन के पास पहुंची। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के आदेश पर ADM प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने जिला रसद अधिकारी औषधि नियंत्रक विभाग के डॉक्टर DS उपल को कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्रीकरणपुर कस्बे में प्रशासन कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आने लगा है। इसी के चलते शनिवार सुबह थानाधिकारी राजकुमार राजौरा मय स्टाफ सरकारी वाहन पर स्पीकर से जनता से बाजार बंद और बिना किसी काम के बाहर न आने जाने और कहीं भी ज्यादा भीड़ न करने की अपील की। इसके साथ ही बचाव के सुझाव देते हुए भी दिखाई दिए। वहीं कल शुक्रवार को व्यापार मंडल ने बैठक में सभी व्यापारिक संगठनों ने शनिवार और रविवार को दुकानें नहीं खोलने का निर्णय लिया। श्रीगंगानगर में महंगे मास्क बेचने वाले सर्जिकल और मेडिकल स्टोर्स पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते शनिवार दोपहर में मेडिकल मार्केट स्थित नवजीवन मेडिकल एजेंसी और अग्रवाल सर्जिकल पर जांच की गई। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी संदीप गौर और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने दोनों दुकानों पर निर्धारित से अधिक दर पर मास्क बेचने की शिकायतों की जांच की। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए पुलिस अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है। जवाहरनगर थाना पुलिस ने साधुवाली में पंजाब बॉर्डर पर 15-15 पुलिस कर्मियों का जाप्ता लगाया है। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात घर जा रहे दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रास्ते में दोनों एक टेम्पो चालक की मदद करने के लिए रुके थे। थाना प्रभारी राजाराम लेखा ने बताया कि शुक्रवार रात तकरीबन 7 बजे जोगीवाला गांव के पास टेम्पो पंक्चर होने के बाद टेम्पो चालक ने वहां से गुजर रहे अयूब और ओम प्रकाश को रोककर उनसे मदद मांगी। दोनों स्टेपनी बदलने में टेम्पो चालक की मदद करने लगे। इसी दौरान पीछे से आए कैंटर को चालक ने तेज गति और लापरवाही से चलाकर अयूब और ओम प्रकाश में टक्कर मार दी। कोरोना वायरस के चलते साबुन से हैंड वॉश के लिए जलदाय विभाग निर्बाध रूप से जलापूर्ति करेगा। कहीं पर भी गंदे पानी की आपूर्ति की सूचना मिलते ही तत्काल पानी की पाइपलाइन को हटाना होगा और नियमानुसार पानी की पाइपलाइन को तत्काल दुरुस्त कर गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों की जांच की जाएगी।
श्रीगंगानगर जिले में कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों की संख्या आज 74 और बढ़ गई है। यह आंकड़ा सामने आने पर प्रशासन के पसीने छूटने लगे हैं। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने तुरंत अधिकारियों को बाजार बंद करवाने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार तक जिले में कोरोना वायरस के संदिग्ध होने पर घरों में रहने वाले लोगों की संख्या 152 थी, लेकिन आज अचानक आई रिपोर्ट में 74 और लोगों को होम आइसोलेशन में रखना बताया गया है। सोशल मीडिया पर परिवार की फोटो लगाकर सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भिरानी पुलिस थाने ने मुकदमा दर्ज किया है। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी हनुमान ने सोशल मीडिया का उपयोग कर उसके परिवार के बारे में गलत टिप्पणियां की। आरोप है कि हनुमान ने फोन पर परिवादी को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।